हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो इस नए वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। मैं अभी फिलहाल आपको नाम नहीं बताऊंगा, तो स्क्रीन पे जाते ही आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर मैं आपने मेरा पूरा इकोनॉमिक के बारे में मैंने जो बात की है उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया, तो प्लीज़ उसे भी चेकआउट करें। मैं स्टॉक स्पेसिफिक सीरीज़ भी बना रहा हूं, तो उसे भी चेकआउट करते रहिए, जिससे आपको मुनाफा अच्छा खासा होगा। मैं फ्री टिप्स भी दे रहा हूं उस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ मैं क्या बोल रहा हूं उसे नोट डाउन करें, उस जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में जानना है तो कमेंट करिए, तो मैं वहाँ पे भी आपको एंटरटेन करूँगा। तो होप तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक में हो क्या रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी चार्ट सेटअप किया हुआ है। तो मैं जो स्टॉक के बारे में बात कर रहा था वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। तो अभी क्या हो सकता है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में, हम वो देखेंगे। तो मैंने आप जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चार्ट ऑलरेडी सेटअप है। तो एक डाउनफॉल, एक ह्यूज डाउनफॉल एंड देन फिर एक कंसोलिडेशन, ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम में, मैं बहुत कम टाइम फ्रेम में जाऊंगा और वहां हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पे, तो फिलहाल एक अच्छा खासा इसने अपसाइड दिया था मूव, बट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो मैंने एक लाइन लगाई है वहीं पे जाके इसने फॉल दिया है। तो अभी फ़िलहाल क्या हो सकता है, बेसिकली इसने यू टर्न भी बनाया है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसे फ़िलहाल अभी दो रेजिस्टेंस हैं, अगर ये तोड़ता है और इसके ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में 840 के आसपास इसको वापस रेजिस्टेंस है। और ये जो फ़िलहाल अभी जो 820 के आसपास रेजिस्टेंस है, इसको बखूबी ये फॉलो कर रहा है। तो क्या हो सकता है, मैं फ़िलहाल आपको दो कंडीशंस बताऊंगा यहाँ पे। तो जब तक मार्केट 825 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता या ऊपर का ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक आप प्लीज़ एक प्योर एक नई एंट्री मत कीजिए। बिकॉज़ उससे होगा क्या, अगर ये ऊपर नहीं जाता है, एक नया अपसाइड मूव क्रिएट नहीं करता है, देन एक सडन फॉल आने की प्रोबेबिलिटी है इसमें। और अभी फ़िलहाल ये बॉटम पे ही है, आप इस पर ज़्यादा फोकस बाय की कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक यू पैटर्न बन रहा है, तो एक अच्छा खासा ये इसी दौरान इसी के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा, एक ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल है इसमें। अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी ज़्यादा पुश नहीं आया है, तो जैसे आप देख सकते हैं इसको हाईली रेजिस्टेंस जोन की तरफ ये बढ़ सकता है, और हालांकि हम यही इसके आसपास का टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। और एक मेजर ब्रेकआउट मेरे हिसाब से अगर इस जोन में जाता है, इस ट्रायंगल पैटर्न में जाता है, तो जनवरी के एंड तक इसमें अपसाइड ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे इसने शार्प रिकवरी दी थी, तो उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आना बाकी है। अगर वो करेक्शन नहीं आता है तो हम प्योरली एक अपसाइड कंटिन्यूशन देख सकते हैं, और कभी भी हो सकता है। इसीलिए प्लीज़ इन्वेस्टेड रहिए और डेली बेसिस पे कुछ लमसम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए। बिकॉज आप एक ही बार में अगर आप इसमें बहुत बड़े अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ डे बाय डे एक स्टॉक उठाइए, एक आप बोल सकते हैं कि आज एक उठा लिया, कल एक उठा लिया, एक एक करके ऐसा नंबर ऑफ शेयर्स उठाते रहिए, और देन फिर आप देखिए आपका पोर्टफोलियो कैसे बढ़ता है। यही स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड है, अभी ये जस्ट ये ऊपर की तरफ जैसे ही ब्रेकआउट देगा, एक शार्प मूवमेंट आने की इसमें पॉसिबिलिटी है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू करेगा। देखते ही देखते मैं बोल रहा हूँ 1000 आ जाएगा ये आने वाले समय में, हालांकि हम यही टारगेट पकड़ के चलेंगे, और 1000 का ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है, पहले आप समझ लीजिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। तो 1000 ये बहुत बेसिक प्राइस है अभी फ़िलहाल, और ये एडजस्टेड प्राइस होने ही वाला है, बट ब्रेकआउट होने से पहले एक छोटा सा डिप आ सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हैवी वॉल्यूम है सेलिंग का, तो थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ
कोई भी लमसम में उठाने की ज़रूरत नहीं है। डे बाय डे आप एक एक शेयर्स उठाते रहिए और डिवाइडेड करते रहिए, और जैसे जैसे आपका एक्युमुलेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस अगर डिस्काउंटेड होती है तो फाइन है, नहीं होती है तो यहाँ से तो अपसाइड की ब्रेकआउट होनी बाकी है। तो पूरा डाउनफॉल ख़त्म हो गया है, बॉटम भी लग गया है, लंबे समय का कंसोलिडेशन भी हो गया है, और किसी भी वक्त इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। इसीलिए मैं स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कौन से स्टॉक के बारे में जानना है। तो होप आपको इस वीडियो में जो चाहिए मिला है, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।